राज्य में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश के कारण लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रामगढ़ में भी भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका जायजा लिया सहयोगी धर्मेंद्र ने। पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर रामगढ़ के सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। आप देख रहे होंगे जो वर्तमान समय में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दामोदर पुल की है और ये शहर का मुख्य मार्ग है। ऐसे में यहाँ पे जो है लोगों की जो संख्या थी आने जाने की वो काफ़ी कम दिख रही है। साथ ही साथ इसका असर बाज़ार पे भी पड़ा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दामोदर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और जो निचले स्तर के जो ग्रामीण रहने वाले हैं उनके घरों तक इसका पानी घुस रहा है। साथ ही साथ जो रामगढ़ ज़िले की जो सबसे बड़ी चित्र है कि वो ये पूरा ये कोयलांचल का इलाका है और यहाँ पे जो है ओपन खदान में कोयले का उत्खनन चलता है, परिवहन चलता है। तो दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण CCL के उत्खनन क्षेत्र पर भी इसका असर देखने को मिला है। जितनी मात्रा में जो है कोयले की उत्खनन होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में पानी भर आया है। साथ ही साथ कोयले का परिवहन भी ना के बराबर चल रहा है। ऐसे में देखें तो बारिश का खासा असर रामगढ़ के जनजीवन के साथ साथ यहाँ के जो व्यवसाय है उस पर भी देखने को मिल रहा है। न्यूज 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।